कॉन्टोरिंग भी जो किया है ब्राउन से वो थोड़ा सा लाइट ही है, लाइनर भी शार्प लाइनर नहीं है, सॉफ्ट है. ओके और फेस को भी एकदम नेचुरल रखा है, ब्लश दिया है, कॉन्टोरिंग भी जो किया है वो हल्के में किया है एंड लिप्स भी लाइट ही दिया है. सो इट्स अ डे लुक जिसमें सब लाइट और ब्लेंडेड सब मर्ज इनटू ईच अदर है. और जब भी हमने थोड़ा हैवी लुक किया है हैवी आईज़ के लिए तो ब्लैक यूज़ किया है, डार्क ब्राउन यूज़ किया है. हमने ज़्यादा एकदम ब्राइट कलर्स नहीं यूज़ किए हैं बिकॉज हमने चीक्स थोड़ा हैवी दिए हैं यहाँ पे, लिप्स थोड़े हैवी दिए हैं, कॉन्टोरिंग हैवी किया है क्योंकि एकदम हैवी मेकअप नहीं करना है. ये हम पार्टी पे भी जा रहे हैं तो मॉनसून थोड़ा रोमांटिक वेदर होता है तो इसीलिए थोड़ा वो रोमांटिक एंड स्मोकी दे दिया है लुक उनको. एंड लैशेज लगाए हैं तो वो थोड़ा हैवी लग रहा है. चीक्स भी देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इनसे ज़्यादा हैवियर है चीक्स क्योंकि वो इवनिंग लुक है. लिप्स भी थोड़े ज़्यादा डार्क हैं तो, लेकिन वो सेम टाइम पे वो नेचुरल भी दिख रहा है और सेम टाइम पे वो हैवी भी दिख रहा है तो वो एक ब्लेंड कर दिया है इवनिंग लुक के लिए. पिंकी जी, हम लाइक पार्टी वेयर के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बहुत होता है कभी लाइक लिपस्टिक की बातें आती हैं तो मेकअप में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है? ध्यान में रखनी है कि अगर आप आईज़ हैवी कर रहे हो तो आपको लिप्स लाइट करना है. आप एकदम आईज़ भी हैवी, लिप्स भी हैवी, भड़कीले कपड़े भी सारे वो नहीं पहन सकते हैं. आपको एकदम बैलेंस करना है. अगर आपने कपड़े आपके बहुत ब्राइट हैं तो अगर आपने आईज़ में, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, अगर आपने एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है या ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है तो ज़रूरी नहीं है कि शैडो भी आपको ग्रीन या ब्लू करना है. आपको अगर वो कलर्स यूज़ करने हैं तो आप हल्का सा जब भी काजल यूज़ कर रहे हैं या पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, आजकल कलर के पेंसिल्स भी आते हैं तो या तो आप खाली ब्लू का लाइनर लगा दी, कलर पेंसिल लगा दीजिए या अंदर थोड़ा यहाँ पे स्मजिंग कर दीजिए या कॉर्नर थोड़ा सा ब्लू, फुल ब्लू करने की ज़रूरत नहीं है, फुल ग्रीन करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह से अगर आप कलर्स यूज़ करेंगे तो वो अच्छा दिखता है. एंड लिप्स भी आपने यूज़ किया तो एकदम मतलब डार्क ड्रेस के साथ एकदम डार्क लिप करने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं अगर आपने आईज़ हैवी किया है. मतलब एक अगर हैवी है तो एक लाइट होना है या तो दूसरा एक हैवी हो सकता है. सारे हैवी नहीं हो सकते और सारे एकदम लाइट करेंगे तो एकदम ही ठंडा दिखेगा. इनका भी आप देख रहे हो लाइट लिप्स है पर एकदम न्यूड नहीं है, जहाँ पे कलर ही नहीं है, हल्का एक कलर दिया हुआ है. अगर आप एकदम स्किन कलर ही यूज़ करोगे तो फोटोग्राफ में कुछ नहीं दिखेगा, प्लेन दिखेगा, राइट? तो इसलिए थोड़ा सा एक बैलेंस करना है. मतलब अगर आईज़ लाइट हैं देखिए तो लिप्स आईज़ से थोड़े हैवी हैं, उस हिसाब से बैलेंस होता है. जब मॉनसून की हम बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं तो काफ़ी ऐसी चीज़ें बहुत ध्यान में रहती है कि हम बाहर जा रहे हैं, करेक्ट, हमें शॉपिंग भी करनी होती है, करेक्ट, मेकअप तो करते हैं लेकिन बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं करेक्ट बारिश के कारण भीग ना जाए, वो मेकअप मेल्ट ना होना चालू जाए, यस डल ना लगे. तो यस, आप अगर मस्कारा यूज़ कर रहे हैं तो वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करिए. आप अगर काजल यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल काजल पेंसिल की जगह अगर आप जेल लाइनर लगा लेंगे तो वो ब्लीड नहीं करेगा, वो वाटरप्रूफ होता है. आपका मस्कारा जो होता है वो भी जेल बेस होता है, वाटरप्रूफ होता है. ओके सो वो ज़्यादा लास्ट करेगा और आप भीगेंगे भी तो वो हिलेगा नहीं. ओके जब शैडो भी यूज़ करें तो एकदम डार्क कलर के शैडो यूज़ करेंगे तो वो गिरेगा तो दिखेगा, जब मेल्ट होगा तो दिखेगा. लाइट कलर यूज़ कर रहे हो तो वो नहीं दिखेगा. फाउंडेशन भी लगा रहे हो तो एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए तो वो नेचुरल ही दिखे. क्रीम ब्लशर लगा दीजिए इंस्टेड ऑफ पाउडर ब्लशर, उसको क्रीम ब्लशर लगा के उसको शाइन दे दीजिए, उसको ब्लेंड कर दीजिए एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो अगेन नेचुरल दिखेगा. सो दीज आर द थिंग्स आप मॉनसून में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं. पिंकी जी, हम बात करते हैं जब मेकअप की तो हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हाँ जी, वो कर्ल कैसे हो या फिर बाउंसी है, करेक्ट करेक्ट. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छा टिप है अगर आप मॉनसून में बाहर जा रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम नीट लुक देना है, आपके कर्ल्स देने हैं, क्योंकि मॉनसून में आप बाहर जाओगे तो वो थोड़ा स्टिकी हो ही जाता है और वेदर भी ऐसा होता है, इतना ह्यूमिडिटी होता है कि वो बाल बहुत स्टिकी हो जाते हैं. तो एक ड्राई शैम्पू आता है वो हमेशा अपने साथ रखिए, या तो आप अपने पर्स में रखिए या अपने साथ घर पे भी होते हैं तो वो एक होना चाहिए ड्राई शैम्पू. कि आप बाहर जा रहे हो, आप भीग कर आए हो, बाल थोड़े स्टिकी हो गया, क्या करो अभी, जाना है बाहर, ड्राई शैम्पू लीजिए, ऑल ओवर ड्राई शैम्पू लगा दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए कि आप जब बाहर जा रहे हो तो थोड़ा बालों में वापस से लिफ्ट आ जाता है. और गया वो टाइम जहाँ वो बहुत नीट हेयर स्टाइल होता था ना, एवरीथिंग इज़ मैसी. आप इसको नॉर्मली भी अगर पकड़ के आप एकदम मैसी करके आप पोनी टेल कर दो तो ये नीट नहीं रखना है, उसको थोड़ा मैसी करके इसको भी थोड़ा कर्ल करके आप रेगुलरली बन कर देते हैं थोड़े से कर्ल करके और इसको एक हल्का सा एक क्लिप लगा देते हैं तो नेचुरली भी एक कर्व आ जाता है और वो
अच्छा भी दिखता है, स्टाइलिश भी दिखता है, एंड एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा जितना मैसी है वो रेड कार्पेट लुक दिखता है. ओके okay, वो एकदम ज़्यादा नीट yeah. नहीं करना होता है. अब इसको थोड़ा सा यहाँ कर दीजिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैसी भी बन गया है और अच्छा भी लग रहा है. लाइक जैसे हम बारिश में काफ़ी लड़कियां तो काफ़ी बहुत कॉन्शियस में हो गई थी कि हम पूरी लाइक हाई, जैसे स्मिता जी ने किया तो इसके बारे में कितना मायने रखता है? नहीं, अच्छा है जितना बाल अवे है वेदर से, या जितना कम भीगेगा, अगर आपने विंडशीटर डाला है या आपने रेनकोट है पहना है या अम्ब्रेला रखा है, जितना कमती बाल भीगेगा उतना बेटर ही है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ द हेयर के लिए भी अच्छा है. सो मॉनसून में बेस्ट है कि एक बाल टाई कर दो. अगर ओपन भी रखना है तो ड्राई शैम्पू हमेशा कैरी करिए, कि आप जैसे ही आप इवेंट के लिए जा रहे हैं या कोई फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो उसमें इमीडिएटली ड्राई शैम्पू लगा कर उसको रफ करके फिर आप कहीं भी निकल सकते हो. स्मिता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो आपको ये नाइट लुक दिया गया, काफ़ी रोमांटिक मॉनसून लुक दिया गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली मैं ये जैसे लैशेस लगाई गई हैं, ये मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, आई थिंक काफ़ी सालों से नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज बहुत आई थिंक थोड़े सालों के बाद मैंने लैशेस लगाई है, लेकिन नेचुरल लग रहा है और नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यू नो कि लैशेस लगे हुए हैं, एकदम नेचुरल लग रहा है. दिस थिंग फॉर स्मिता दैट शी हैज टू अप्लाई. एग्जैक्टली, श्वेता वही कह रही थी कि नहीं स्मिता, ये अच्छा दिखता है अब से, ये तुम लगाना पक्का जरूर. तो दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी, और जिस तरह से उन्होंने स्मोकी आइज की है, मेरे लिए नया टेक्निक था, तो मैं भी सीख रही थी. मैं दिख नहीं रहा था लेकिन फिर भी मैं सामने वाले मिरर में से थोड़ा थोड़ा देख के अपना सीख रही थी. इट वॉज़ वेरी नाइस जो सेंटर में उन्होंने डार्क करके फिर स्मच किया था साइड में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, नया लुक है, कुछ नया सीखा मैंने आज सीखा है. तो थैंक यू सो मच पिंकी. माय प्लेजर. आप बेसिकली मॉनसून में क्या चीज़ें फॉलो करती है खुद की पर्सनल लाइफ में, ना कि मेकअप आर्टिस्ट का ऐसा कोई टिप्स हो, लेकिन खुद की लाइफ में क्या करते हैं? वैसे मॉनसून हम कहते हैं लेकिन इतना तो हम बाहर नहीं जाते कि हम भीग गए, तो वी इधर ट्रैवलिंग. अगर भीगना पड़ा तो वही होता है गाड़ी से उतर के, जब आप इवेंट में जा रहे हो कहीं जा रहे हो, तो दैट इज़ द ओनली टाइम. मुझे मैसी बाल बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा रफल्ड और मैसी ही रखना पसंद करती हूँ, और स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल केयर या ऐसा कुछ खास नहीं लेती हूँ, बिकॉज़ जो आईलाइनर और समथिंग उतना ही वाटरप्रूफ रहता है, बिकॉज अदर अलग टाइम में भी हम आई थिंक वाटरप्रूफ मस्कारा ही इस्तेमाल करते हैं यूजुअली. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, इनफैक्ट बहुत सारे शूटिंग के टाइम हम स्विमिंग पूल में शूट करते हैं, तो दैट टाइम ऑल्सो आई थिंक यू गाइज डू अ वेरी लवली जॉब, एकदम इंटैक्ट, एवरीथिंग इज फाइन लगता ही नहीं. मुझे पहले लगता था सारा काजल निकल जाएगा या समथिंग, बट शी वाज जस्ट शोइंग जेल लाइनर, जो जेल लाइनर है वो भी अंदर लगा सकते हो, दैट विल नॉट रन आउट, सो दैट इज़, सो यानी रोते हुए भी मैं सुंदर दिखूंगी सीन्स में. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. और ड्रेस को लेके आप क्या चीज़ें ध्यान रखती हैं? ड्रेस को लेके मेरे लिए कंफर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. तो फिर इवेंट बहुत, इंडिया इतनी इट्स अ वेरी वर्सेटाइल कंट्री, इतनी वर्सेटाइल है ना, यानी आप सारे ट्रेडिशंस, सारे जॉनर्स, सब कुछ एक ही इंडिया में भरा हुआ. जैसे हम कहीं फेस्टिवल में जा रहे तो हमारे क्लोथ ड्रेसिंग अलग हो जाती है, कहीं और जा रहे अलग हो जाती है. तो माई सेल्फ बेसिकली आई फील आई एम वेरी वर्सेटाइल. जहाँ पे बाइकर बनना है वहाँ पे मेरे एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, और कहाँ इवेंट में जाना है तो कपड़े चेंज हो जाते हैं. इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक इवेंट कर रही थी और उनको पूछ, इट वॉज अ बाइकर्स इवेंट, और मैं उनको पूछ रही थी, मैं कन्फ्यूज हूँ, शुड आई कम देयर एज अ बाइकर और शुड आई कम देयर एज एन एक्ट्रेस. तो मैं बहुत कन्फ्यूज थी, लेकिन बहुत सारी जैसे मराठी फिल्में ज़्यादा करती हूँ मैं, तो महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में काफ़ी इवेंट्स हो जाते हैं, तभी मुझे ड्रेसिंग का अलग से ख्याल रखना पड़ता है कि मैं उनमें उनकी जैसे लगूँ, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू लुक लार्जर देन लाइफ. यानी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, उस लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मुझे ड्रेसिंग करना पड़ता है, बट इट हैज़ टू स्टैंड आउट, इट हैज़ टू बी लिटिल लार्जर देन लाइफ. मैं इंटीरियर्स में जाके छोटे कपड़े या शॉर्ट ड्रेस या गाउन्स ये पहन के नहीं जा सकती, वहाँ का ड्रेसिंग अलग हो जाएगा, लेकिन उसकी स्टाइलिंग अलग हो जाएगी, मेकअप थोड़ा अलग हो जाएगा, बट आई थिंक मेकअप मोरल इज़ द सेम. आई थिंक फॉर मोरलेस उसमें उतना नहीं, ओनली हैवी करना है, लाइट करना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, वो ये सारी चीज़ें करते हैं हम. लेकिन क्लोदिंग आई हैव टू ऑलवेज सी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओकेजन में जा रहे हैं, क्या फंक्शन है, और लोकेशन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट. कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं यू नो यॉट पे कहीं जा रहे हो या कहीं ओपन एरी जगह जा रहे हो, वहाँ पे हम ड्रेसेस पहन, सीजन्स
सबके सबका एक चार्म होता है और किसी एक को चूज़ करना सही नहीं होगा. मॉनसून मुझे बहुत पसंद है लेकिन भीगना है नहीं नहीं भीगना तो पूरी तरह भीग जाओ. जैसे हम पूरा दिन जैसे पिकनिक पे है कहीं गए भीगना है तो पूरी तरह भीग जाओ. अगर नहीं तो फिर ज़्यादा भीगना पसंद नहीं आता. लेकिन घर पे बैठ के अच्छा सा मॉनसून देखो, यू हैव अ नाइस व्यू, चाय पियो एग्जैक्टली. मॉनसून आई जस्ट वांट टू सिट एट होम एंड वॉच द रेन्स. स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में यहाँ पे भीगना इतना पसंद नहीं आता. लेकिन हाँ, अगर मैं कहीं बाइक राइड पे जाऊँ या कहीं ऑफ रोडिंग जाऊँ तो ज़रूर मुझे भीगना बहुत पसंद आएगा, डेफिनेटली. एंड श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगे जो लुक आपको दिया गया है, डे लुक, उसके बारे में क्या कहेंगे? आई एम कम्प्लीटली इन लव विद इट. इट्स अ डे लुक एंड सब कुछ बहुत लाइट एंड इट्स मोर ऑफ अ नेचुरल फील, जो आपको ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने मेकअप किया है ज़्यादा. एंड विच इज़ रियली नाइस बिकॉज हम डेली कहीं ना कहीं जाते हैं एंड एक लाइट मेकअप you know huna is very important in our profession. Okay. So this is something which is really interesting and I'm completely in love with it. And I even when she was doing it, I said I love falsies means I was telling Smita you have to wear falsies. Yes. Because I completely love falsies because wo aapka look ekdam change kar dete hain. So eyes open ho jati hain, it adds that extra oomph to it. So it completely changes your face. Like even if you're going in the afternoon, aap afternoon mein bhi ja rahe hain, so wear a little natural falsies and it'll look really nice. And in the evening, like Smita has put a little heavy one, so you should put that one. So that looks really nice and I'm very happy with my makeup. I'm sure I'm going to, you know, apply these kind of makeup more in the afternoons because it gives you a little you know, glow to your face. At the same time, the person should not make out that I've done makeup. It has to be very subtle and I'm very happy with this because this is very subtle. I was just clicking my selfies and I was like, yeah, I'm very happy. It's very subtle. मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा रेडी करती हूँ बिकॉज एज दे सेड कि हम लोग मेकअप में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते बट वी यूज़ लाइक अ वाटर प्रूफ मस्कारा एंड आई एम सो नो नो टू वाटर प्रूफ मस्कारा. आई जस्ट डोंट यूज़ इट सम हाउ. इट्स जस्ट इन मी. सो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि फेस या कहीं पर पानी के छीटे या पानी मैं भीगू ना, अदरवाइज यू विल सी ऑल ब्लैक आइज. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे इवन लाइक आई डोंट वॉन्ट टू बी वेरी, मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है सो आई डोंट वॉन्ट कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से मेरा फेस में यू नो देन यू हैव ब्रेकआउट्स एंड देन देयर रैशेज एंड एवरीथिंग. तो वो उस चीज़ का मुझे थोड़ा वो रहता है, अदरवाइज इट्स प्रीटी मच नॉर्मल. सी आई स्मिता सेड दैट वी हैव टू डिसाइड लाइक अकॉर्डिंग टू वर्ड्स द ओकेजन, कहाँ हम जा रहे हैं, कैसा इवेंट है, कैसे लोग हैं आसपास. तो उससे डेफिनेटली हमें उसको ध्यान में रखकर तैयार होना होता है. लेकिन अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जाना हो सो आई कम्प्लीटली कीप माई जीन्स ऑफ बिकॉज मुझे ये पता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है बिकॉज मुझे भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई जस्ट डोंट लाइक कि मैं गीली हो जाऊँ और फिर कहीं पहुँचूँ. एंड मोर ओवर मेरे को लगता है बहुत कीचड़ है एंड आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट. हाँ, बारिश हो लेकिन मैं तब घर पे हूँ, कहीं मुझे बाहर ना जाना हो. सो डेफिनेटली नो जीन्स फॉर मी व्हेन इट्स रेन सीजन. समथिंग लाइट जो कि जल्दी ड्राई हो जाए, अगर मैं भीग भी जाऊँ तो ड्राई हो जाए, अदरवाइज शॉर्ट्स हो, स्कर्ट हो, विच इज़ कम्फर्टेबल एट द सेम टाइम. आई डोंट वॉन्ट कि वो गीला होके देन यू नो इट्स ब्लोइंग अप और इट्स नीचे से पूरा गीला हो गया. सो आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट. सो एनी थिंग विच इज़ कम्फर्टेबल. कॉटन इज़ रियली नाइस बिकॉज मुझे लगता है उसमें आपका स्किन बहुत ब्रीथ कर सकता है. सो आई थिंक एनी थिंग विथ शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, यू कैन वेयर डांगरीज, द शॉर्टर वंस एंड जम्प सूट्स. सो आई थिंक दैट थिंग फॉर अ नॉर्मल डे टू डे इट्स वेरी कम्फर्टेबल एंड इट्स रियली नाइस. पिंकी, सबसे लाइक हम जैसे श्वेता बता रहे थे कि स्किन टोन कैसा ड्राई होने लगता है और यू नो सो चेंज होता रहता है हमारा स्किन, बट जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो तभी